नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते सबसे पहले आज देखते हैं कि सिनॉप्टिक सिचुएशन क्या है आज संपूर्ण भारत की। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछले एक दो दिनों से बात कर रहे हैं, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। अब आप देखेंगे ये एक तरह से साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश के पास एक लो प्रेशर सिस्टम, कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। अब आप देखेंगे हवाओं की गतियां इस तरह से घूमती हुई चक्रवाती रूप में इस तरह से लो प्रेशर एरिया के रूप का धारण ले लिए। इससे क्या होगा, इससे जो सटे हुए जो राज्य हैं, अभी आप देखेंगे इन जितने भी सटे हुए राज्यों में अच्छी बारिश के संकेत देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं मानसून ट्रफ की स्थिति देखने के लिए। अगर मानसून ट्रफ की स्थिति देखेंगे तो पंजाब के फिरोजपुर से होते हुए दिल्ली, मध्य प्रदेश के बीच से होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अब एकदम केंद्र में, केंद्र लो प्रेशर एरिया है, निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र में ये स्थिति हो चुका है। सो मानसून स्टफ की स्थिति, जो मानसून अक्ष है, वो पूरी तरीके से एक तरह से लो प्रेशर एरिया में उसके पूर्वी छोर जुड़ चुका है। अब आप देखेंगे आसपास जो स्थितियां हैं, हवाओं की स्थितियां, बादलों की स्थितियां हैं और वर्षा की स्थिति, इसमें काफ़ी कुछ सुधार होने जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम ऑफशोर ट्रफ की बात करें, आप देखेंगे कर्नाटका कोस्ट और केरला कोस्ट में ऑफशोर ट्रफ की स्थिति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये हो रहा है, इसे ये सूचित हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ अच्छी संकेत देखने को मिल सकते हैं मानसूनी वर्षा के। अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, उत्तर की दिशा की अगर हम बात करें, देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास यहाँ पे दिख रहा है। अब हम चलेंगे सैटेलाइट के चित्रों में, जो उपग्रह से प्राप्त मानचित्रों में देखेंगे। जैसा कि हमने कहा, लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पे, कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पे बना हुआ है। अब आप देखेंगे कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इन जगहों में छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर बनना आरंभ हो गए हैं। अगर आप इस क्लस्टर की बात करें तो एक बड़ा क्लस्टर -60 से -80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ये यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर पश्चिम तटीय, या एक तरह से दक्षिण प्रायद्वीप के जो तटीय जो भाग है, केरला कर्नाटका, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पर भी एक क्लाउड क्लस्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें और पूर्वी राज्य की बात करें, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार का ये नौ उत्तरी भाग, यहाँ पर भी क्लाउड क्लस्टर आपको देखने को मिल रहा है। इससे ये सूचित हो रहा है कि आने वाले दिनों में छोटे छोटे क्लाउड क्लस्टर के कारण यहाँ पे वर्षा की गतिविधि बहुत अच्छी बनने जा रही है। अब हम देखेंगे पिछले 24 घंटे मानसून की क्या गतिविधियाँ रही। आप देखेंगे ये पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य हल्के नीले और गाढ़े रंगों से दिखाया गया है। काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और अगर उत्तर भारत की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड और साथ में हिमाचल प्रदेश गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें या महाराष्ट्र से हम आरंभ करें, आप देखेंगे मध्य महाराष्ट्र, केरला के तटीय भाग और कर्नाटका के तटीय भाग और लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, आप देखेंगे इन जगहों पर भी गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। तो इसका ये सूचित हो रहा है कि धीरे धीरे वर्षा जो है इसकी तीव्रता बढ़ सकती है, चूंकि निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है। ये पिछले कल की बात थी। अब हम देखेंगे मानसून की जो एक तरह से लॉन्ग पीरियड एवरेज की इमेज को अगर हम देखेंगे, आप देखेंगे इन जगहों पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन जगहों पे बारिश की वजह से अब ये रंग हरे रंगों में परिवर्तित हो चुका है। बाकी जो रंग है, जहाँ जहाँ पे लाल रंग है, यहाँ पे मानसून की स्थिति अभी कमजोर सी दिख रही है। अब अगर हम रेनफॉल एक्टिविटी की बात करें तो हम बात करेंगे 7 सेंटीमीटर से ऊपर, बागेश्वर में 17 सेंटीमीटर, नेवरा में 14, बगराकोट में और चंपासरी में 13 सेंटीमीटर, जगत सिंह पूर ऊना में 12 सेंटीमीटर, कोटद्वार, पिथौरागढ़, बिलासपुर, अनूपपुर में, मरवाही में 11 सेंटीमीटर, किशनगंज, रायगंज, बागडोगरा, कार निकोबार में 10 सेंटीमीटर, मूर्ति, डायना, चंपावत, उधम सिंह नगर, बीजापुर, पटन नगर में 9 सेंटीमीटर। अगर हम ईस्ट सिंहभूम की बात करें, गिरिडीह, कामरेड्डी, हरिद्वार, मंडी, बस्तर की बात करें, 7 सेंटीमीटर। सो जैसे कि हमने कहा, हैवी से हैवी रेनफॉल और भारी से भारी वर्षा जो दर्ज की गई है, उनमें मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम रहा। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, यह है आपके अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, कोंकण एंड गोवा, तेलंगाना, कोस्टल साउथ इंटीरियर कर्नाटका, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल रहे। अगर हम आप देखते हैं अब आने वाले 5 दिनों का पूर्वानुमान क्या रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं लो प्रेशर एरिया यहाँ पे कम दबाव का क्षेत्र बन गया, हवाओं की गति यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीप के, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरला, कर्नाटका के साउथ इंडियर कर्नाटका में ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हवाओं के जो अगर आप देखिए बात करें, यहाँ पर हवाओं के झोंके भी काफ़ी सुदृढ़ रूप से, काफ़ी तीव्र रूप से यहाँ पे दिख रहे हैं आपको आज के में। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी ऑरेंज अलर्ट है और सिक्किम में भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम 29 तारीख की बात करें, अब आप देखेंगे
कम दबाव के क्षेत्र धीरे धीरे इसकी जो निरंतर जो बढ़ने की गति वो इस तरह से रहेगी पूरे पश्चिम उत्तर राज्य में। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के दोनों भाग में और गुजरात के भाग में भी आपको अब ये छुटपुट वर्षा और भारी वर्षा देखने को मिल सकती, साथ में साथ थंडरस्टॉर्म भी देखने को मिल सकते। हालांकि ऑरेंज अलर्ट की बात करें, ऑरेंज अलर्ट आपका मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और खासकर तेलंगाना में ऑरेंज अलर्ट है। अगर 30 तारीख की हम बात करें पश्चिमोत्तर राज्य पूरे जगह पे अगर आप देखेंगे छिटपुट भारी से भारी वर्षा और भारी वर्षा भी हो सकती है, जिसमें गुजरात राज्य भी अब शामिल हो गया। अगर आप 30 तारीख में देखें और 31 तारीख को गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भाग, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगहों पे छिटपुट भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। एक तारीख को स्थिति अगर हम बात करें तो कुल मिला के जो देखने को स्थिति लग रही है कोंकण गुजरात के जगहों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को भारी वर्षा, सौराष्ट्र कच्छ में 1 सितंबर को, मध्य महाराष्ट्र में 31 अगस्त को भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। तो ये रहा हमारा पूरा पूर्वानुमान 5 दिनों के लिए। अगर हमारे ऐप डाउनलोड नहीं किए तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।